Hey guys, this is Sonam and once again welcome back to another new vlog. तो अभी हम लोग जा रहे हैं विंडसर कैसल और पता नहीं कैसल के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपको वीडियो पे आगे पता चलेगा, लेकिन अभी अराउंड टाइम हो रहा है 11 o'clock और अभी हम घर से स्टार्ट कर रहे हैं और लंदन से ऑलमोस्ट 1.5 hours लगता है, तो चलिए चलते हैं। हमने कैब बुक कर दी, अभी आने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं आज विंडसर कैसल। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Hey guys, तो अभी हम विंडसर कैसल आ गए हैं, देखिए तो मेरे पीछे दिख रहा है ये है कैसल, तो अभी हम चलेंगे, देखते हैं अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, वहाँ चलने के बाद पता चलेगा। और इस वीडियो में हम आपको विंडसर एक्सप्लोर करेंगे कैसे यहाँ की स्ट्रीट है और क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone. तो गाइज अभी दोपहर का टाइम है और अभी से ही देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग आ गए हैं ना, क्योंकि ये जो विंडसर कैसल है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए लोग बैठे हुए हैं कैसल के बाहर, ये बैठने वाला ना बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सो यहाँ पे लोग बैठकर बहुत अच्छे से अपना टाइम पास करते हैं। और सामने जो व्यू है ना रोड का वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और कैसे टाइम निकल जाएगा बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो गाइज़ ये है विंडसर कैसल, हम कैसल पहुंच गए हैं और ये ना पूरे वर्ल्ड का बोलिए तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना कैसल बोला जाता है, और ये 11th century में ही बना हुआ है और क्वीन एलिजाबेथ इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अभी भी ये जो कैसल है ना वो बहुत ही फेवरेट रेसिडेंस है रॉयल फैमिली का। ये कैसल अप्रोक्स 13 acres में बना हुआ है और यहाँ पर ना बहुत सारे रॉयल वेडिंग्स होते हैं। जब क्वीन बकिंगम पैलेस में नहीं होती है ना तो वो यहाँ पे भी आकर के रहती है और बहुत सारे वो अपना प्राइवेट वीकेंड जो है ना वो यहाँ पे स्पेंड करती है आकर के। तो गाइज इस कैसल के अंदर एक चर्च भी है, सेंट जोस चैपल, जहाँ पे हैरी एंड मेगा का शादी हुआ था, और उसी जगह पे प्रिंस फिलिप्स का फ्यूनरल भी है। इस कारण से भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं देखने के लिए। और अगर एंट्री फ़ी की बात करें ना तो पर पर्सन 30 pounds है, आप टिकट बाय करके और अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अभी यहाँ पे नहीं लेंगे टिकट क्योंकि अभी हम वहाँ पे गार्ड से बात हम लोग किए थे ना, तो वो लोग हम लोग को 2-3 चीज़ का ये भी एक्सेस मिल रहा था, पता नहीं क्यों बाकी सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं मिल रहा था। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना यहीं पर टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट ले करके अंदर जा सकते हैं। और गाइस कैसल के अंदर ना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सिक्योरिटी पर्पस के रीज़न से, आप बाहर से ले सकते हैं बट अंदर किसी भी चीज़ का अलाउ उन्होंने नहीं किया है। और अंदर में भी बहुत सारे पार्क्स है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो आप बिल्कुल अंदर जा कर के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay. और गाइज यहाँ पे ना अभी कुछ हॉर्स का रेस भी होने वाला है, तो अगर आपको वो भी देखना हो तो आप आ सकते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे ना गार्ड चेंज भी होता है, तो अगर आप 11 o'clock के आसपास आते हैं ना तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को आने में थोड़ा लेट हो गया तो हम लोग मिस कर दिए वो सारी चीज़ें। और टिकट ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, अगर आप इंस्टेंट भी ले सकते हैं आने के बाद में, काउंटर टिकट भी अवेलेबल रहता है, और अगर चाहे तो घर से भी बुक करके आ सकते हैं। Mad chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back.
तो गाइज ये देखिए अभी समर का टाइम है ना, सो देखिए यहाँ पे लोग किस तरीके से बाहर में बैठते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे बाहर में इस तरीके से चेयर लगा रहता है, लोग बहुत अच्छे से अपना टाइम पास करते रहते हैं। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, इसी रास्ते से हम लेगोलैंड भी गए थे। तो अगर आप लेगोलैंड भी जाएंगे ना, तो आपको सेम रूट आएगा, कैसल होते हुए ही आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेगोलैंड में देखने के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी है, बहुत सारे राइड्स भी हैं। तो अगर आपके पास एक मैं सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप लेगोलैंड जाना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे विंडसर में एक दिन स्टे भी कर सकते हैं, और यहाँ से बिल्कुल पास में है, तो आप एकदम मॉर्निंग में उठ करके और लेगोलैंड जा सकते हैं, और वहाँ पे आप पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे राइड्स हैं ना कि आपको कम टाइम में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग गए थे तो कम टाइम था हम लोगों के पास में, तो बहुत सारे राइड हम लोग नहीं कर पाए थे। तो गाइज़ अभी हम जिस स्ट्रीट में घूम रहे हैं ना, ये कैसल के बिल्कुल अपोजिट में है, और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, तो उनके साथ मिलकर के अभी सारा एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं नई हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर देखिए और देखिए कैसा है ये स्ट्रीट। Cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. ये है विंडसर का फ्रीज मैग्नेट, जो कि हम लोग भी यहाँ से लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये कॉपी, पेंसिल, रबर, स्केल, हर चीज़ पे ना ये लेगोलैंड लंदन का ना ये आपका लोगो बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, गिफ्ट पर्पज से भी बहुत अच्छा है, आप किसी बच्चों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये कॉफ़ी मग भी देखिए, हर जगह आपको लोगो बना रहेगा विंडसर का। और सामने की रिंग भी है, आपको मैग्नेट्स भी है बहुत सारे। तो अभी हम विंडसर आए हुए हैं, और ये जो आप सीन देख रहे हैं यहाँ पे, व्यू देखिए कितना प्यारा है, और यहाँ पे लेक है पीछे में। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, कुछ खाना है क्योंकि भूख लग रही है। और ये देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है, और इसके बाद अभी हम लोग लेक में भी जाएंगे, बोटिंग करेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और फिलहाल अभी आप देखिए और देखिए कैसा है ये विंडसर। तो देखिए कितना प्यारा लेक है, और अभी हम लोग जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, भूख लगी है तो पहले खाना खाने जा रहे हैं, और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं ना यहाँ पे राइड भी करेंगे, बोटिंग करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और फिलहाल तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट ढूंढने, और यहाँ का सीन देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ पे बाबू बैठा हुआ है, बहुत मुश्किल से बैठा है ये थोड़ी देर खाने के लिए, तो यहाँ पे ये कुछ कुछ खा रहा है। और सैटरडे वाला दिन है ना, तो उस दिन खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बाहर में, क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वेज का ही ऑप्शन बचता है। तो अभी हम लोग वेज कुछ कुछ ऑर्डर किए हैं, और यहाँ से खाने के बाद हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे।
तो गाइस खाना खाने के बाद ना फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे थे क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी, और खाने के बाद धूप में बैठने पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और सामने का जो व्यू है ना वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि थोड़ा हम लोग टॉप पे बैठे हुए थे, और सामने में देखिए इतना अच्छा व्यू हो तो कितना मज़ा आएगा ना। अगर आप यहाँ पर 4-5 घंटे भी आराम से बैठे ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और टाइम कैसे निकल जाएगा आप सोचते रह जाएंगे। तो गाइज ये जो शॉपिंग मॉल है ना ये 1897 का बना हुआ है और इसका नाम है विंडसर रॉयल शॉपिंग। इसके अंदर काफ़ी सारे शॉप्स रेस्टोरेंट भी है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है और काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे आकर के। अगर आपको शॉपिंग करना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पर सारा बैठी हुई है, फ़ोटो क्लिक करवा रही है। और गाइज ये देखिए ये जो गाड़ी का जो वेस्ट पार्ट होता है ना उन सारे को असेंबल करके इन्होंने ये बुल बनाया है, कितना अलग लग रहा था ना, तो सोचिए आपके साथ भी शेयर करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ लगा ये। तो गाइज ये जो है ना ये विंडसर का हाई स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स है, मॉल्स है, यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हे गाइस तो अभी हम विंडसर नहीं है और आप अभी देखे नहीं, काफ़ी अच्छा स्ट्रीट है यहाँ पे, और सामने आपको विंडसर रॉयल शॉपिंग मॉल भी दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे शोरूम्स हैं, और फाइनली पता है हम लोग को इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला कहीं भी, 2-3 जगह हम लोग ढूंढे भी तो वो बंद था, तो फाइनली मैकडी में खा लिए है अभी, और अभी सोच रहे जा रहे हैं बोटिंग पे, तो वहाँ जा करके पता करते हैं कैसे क्या टिकट है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम आपसे फिर नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।